भगवान विष्णु भी इस कथा को भोलेनाथ इसी भागवत कथा को साल भर मैया पार्वती को सुनाते हैं और मैया पार्वती इसी। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिलाषा कुक की स्पॉट एंड लाइफ स्टाइल। शाम का टाइम है और 6:30 बज रहे हैं, मंडे है। सुबह तो लंच का शूट किया था मैंने, आपके साथ शेयर भी किया था। अब रात के खाने की तैयारी हो रही है। जैसा कि हमेशा होता है, हस्बैंड ड्यूटी से लौटते हैं तो कुछ सब्जियां फ्रूट्स लेकर के आते हैं, तो लाए हैं वो पपीता और कुछ सब्जियां आई हैं तो उन्हें मैं धो के रख रही हूँ। भिंडी और कद्दू वगैरह है, लेकिन हरी सब्जी आई है तो पहले तो हरी सब्जी बनाई जाएगी, तो वही रात के खाने में कुछ हल्का बनाना है तो मैं हरी सब्जी बना रही हूँ। ये आमबाड़ी बोलते हैं, महाराष्ट्र में आने के बाद ही हमने सब्जी को देखा, इसके बारे में सुना जाना। बहुत ही हेल्दी सब्जी होती है और नेचर से जो सब्जियां अपने आप उगती हैं उन सब्जियों का जो बेनिफिट है वो अलग ही है। तो उनमें से एक सब्जी ये भी है, आमबाड़ी। हल्का सा खट्टापन होता है इसके टेस्ट में। और भाकरी बनाते हैं यहाँ पर लोग, ज्वार के आटे की या फिर उसमें उड़द का दाल का आटा डालते हैं, क्या कहते हैं, करनी चव भाकरी है ना, उसमें ये मिक्स करते हैं। तो हमारे पास आज ज्वारी का आटा तो नहीं है और मानो बनाया भी तो कुछ अलग सा ना लगने लगे, तो मैं सोच रही हूँ कि इसके भी पराठे सेकूंगी, जैसे हम लोग मेथी और पालक के पराठे बनाते हैं ना, ग्रीन वेजिटेबल्स वाले, तो कुछ वैसा ही। लेकिन इसको काट के बॉईल करते हैं, फिर उसको आटे का डो तैयार करते हैं, तो वही करूंगी मैं पराठे। और चावल की खीर बनाने वाली हूँ, तो बस आके करती हूँ सारा काम, शुरू करते हैं। शाम का चाय नाश्ता दूध वगैरह सब हो चुका था और हस्बैंड अभी आए हैं और ये सब्जियां और फल यहाँ रख रहे हैं। सबसे पहले मैं दिया कर रही हूँ, दिया बत्ती कर लूँ, क्योंकि एक बार रसोई के काम शुरू होते हैं तो फिर तो लगातार हो जाते हैं। अब शुभ ही नहीं है, पहले जब मुझे 6 बजे से शूटिंग शुरू करनी होती थी, शुभम की यहाँ क्लास हो रही होती थी, तो शुभी से मैं कहती थी शुभी दीपक लगा दो, तो शुभी दिया लगा जाती थी और फिर मैं अपना काम करती रहती थी। अब शुभम की शाम की जो क्लासेस होती थी ऑनलाइन, जो 6 बजे ये टेबल पे बैठा रहता था, अब इसकी क्लासेस ऑफलाइन शुरू हो गई हैं, तो अब शाम में शुभम क्लास के लिए जाता है। और सुबह मैंने शूटिंग की थी, फिर लंच हमने स्किप किया शूटिंग के लिए, मतलब हम लोगों ने लंच किया लेकिन मैंने शूट नहीं किया। तो मेरे ख्याल में यही था मन में कि आज डिनर की शूटिंग नहीं करेंगे और कुछ भी हल्का सा बनाएंगे। और ये दही मैंने आज सुबह जमाई थी, शूटिंग में दिखाया भी था, क्योंकि मैं सुबह दही लगाती हूँ, मैं लगा ही रही थी, दिखाया था। अब देखो ये शाम तक दही जम जाती है बिल्कुल, बल्कि ये थोड़ी देर पहले ही जम गई थी। मुझे शूटिंग नहीं करनी थी ना, तो मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था, फिर अभी शूटिंग करने लगी तो मुझे याद आया कि बता दूं, चलो। तो ये जम गई दही, और फिर मैंने 5 बजे जम गई थी, फिर इसको फ्रिज में रखते हैं तो ये ठंडी भी हो जाती है, सेट हो जाती है और हम दही अगले दिन यूज करते हैं। अब मैं शुरू कर रही हूँ, ये सारी सब्जियां मैंने निकाली हैं, सब धो के साफ करके रख रही हूँ। खीरा आया है, भिंडी आई है और पपीता, और ये दो हरी सब्जियां, मेथी के पत्ते आए हैं और ये जो बताया मैंने सब्जी, और चावल मैंने धो के रखे थे अभी ही, दूध के पैकेट भी आ गए हैं। ये मैंने ड्राई फ्रूट निकाले हैं, काजू, बादाम, चिरौंजी, किशमिश और सूखा नारियल, ये 5 ड्राई फ्रूट्स हैं। बस कढ़ाई में 1 चम्मच घी डालेंगे और घी में पहले ड्राई फ्रूट भून लूंगी। और जो चावल की खीर बनानी थी, मैंने 3 चम्मच करीब चावल लिए, छोटी चम्मच जितना, और उनको भिगो के रखा था। और बस इसी समय जब ड्राई फ्रूट्स भून लेते हैं तभी घी में चावल डाल करके भी भून लेते हैं। चावल को हल्का सा हाथों से मसल लें या फिर चाहे तो ग्राइंडर जार में भी बारीक कर सकते हैं, उससे गाढ़ापन भी आता है खीर में और जल्दी से चावल पक जाते हैं। लेकिन मैंने भिगो के रखे थे ना, ये जल्दी ही पक जाएंगे, और अभी मुझे कुछ जल्दी नहीं थी, मतलब आराम से अभी इनको पकना है, क्योंकि हरी सब्जियों को साफ करना एक सबसे बड़ा टास्क होता है किचन में। खाने में देर नहीं लगती, भूस को चुनने में, साफ करने में ना, ये सब बहुत है। तो ये मैंने अब डाला दूध, ये बासी दूध था कल वाला, अब भगोना साफ करने रखा सिंक में, अभी हाथ धुलूंगी तो भगोना साफ करूंगी और फिर साफ बर्तन में आज वाला दूध निकाल के गैस पे चढ़ाना है।
तो ये दोनों काम इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि इनमें टाइम लगता है और धीमे धीमे अपना दूध बॉयल होगा, खीर पकेगी और मैं हरी सब्जियों को लंबा समय दे सकूंगी क्योंकि उनमें टाइम लगता है साफ करना चुनना। और आज शूटिंग नहीं करनी थी, खूब तेल वेल लगाया था, शाम को मस्त चंपी करके बैठी थी चाय पीने के बाद, और लेकिन अभी ऐसी सब्जी ले आए हैं ना कि एकदम नई सब्जी है, तो मुझे लगा कि आप सबके साथ शेयर करूं इसलिए फिर शूटिंग करने लग गई। पहले ऐसा इरादा था, मैंने खुद ने ही बोला था कुछ हरी सब्जी ले आइएगा तो रात के खाने में बना लूंगी, तो मुझे लगा ऐसे नॉर्मल सी रोज वाली आएंगी सब्जियां जो पहले भी आ चुकी हैं, तो नई सब्जी आई है। तो फिर इसको ना पूरे पत्ते पत्ते निकाले हैं और डंठल अलग कर दिए मोटी वाली, और इसको बारीक काट लिया है। पहले हमने कभी बनाई नहीं थी, ना कभी खाया था, सुना था और सब्जी की तारीफ सुनी थी कि बहुत हेल्दी होती है, तो मैं इनको बोल रखा है कि जब भी कोई हरी सब्जियां अच्छी दिखे नई सीजन की तो लाइएगा, तो मतलब अम्मा के लिए अच्छा रहेगा ना हेल्थ के हिसाब से कुछ हरी सब्जियां बीच बीच में, क्योंकि शूटिंग में इतना कुछ बनता रहता है वो भी करना पड़ता है, अब ये भी तो जरूरी है ना, तो इसलिए आई अम्बाड़ी आज बनेगी। इसको बारीक कैंची से काट रही हूँ मैं, ये हाथों में चुभ रही है, बहुत बारीक बारीक सा चुभन है, मतलब रेशे जैसे काटे होंगे, कांटे नहीं है, वो एक होता ना कोई कोई जंगली पत्ते चुभते से हैं वैसा चुभ भी रहा मेरे को, लेकिन बताया मुझे जिनसे मैंने पूछा, बगल में रहती हैं उनको मैंने दूर से दिखाया सब्जी जब लाए गुप्ता जी, इसको क्या कहते हैं कैसे बनाते हैं, तो उसने बताया मुझे कि ऐसे ऐसे करते हैं। तो इसको मैंने अभी धो के रखा है जाली में ताकि पानी झड़ जाए, और फिर एक्चुअली इसको ज्वार के आटे में बनाते हैं ठीक है, लेकिन मैं बना रही हूँ गेहूं के आटे में, मंगाएंगे हम ज्वारी पीसेंगे। यहाँ पर खीर ऑलमोस्ट पक चुकी थी तो फिर मैंने गैस इंडक्शन बंद कर दिया और गुड़ डाल दिया, हालांकि ये जागरी पाउडर है, गुड़ डालने से भी खीर फटती नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इंडक्शन बंद कर दिया, खीर अच्छी गाढ़ी हो चुकी थी। और ये इलायची पाउडर डाला है, इतना गर्म है कि वो गुड़ घुल ही जाना है वो जागरी पाउडर, और अच्छे से मिक्स कर लिया है इलायची पाउडर, और ये ठंडा होने होते फिर और खीर गाढ़ी हो जाती है। बस यहाँ कढ़ाई से मैंने खीर को मैंने डोंगे में निकाल लिया है, और अब यहाँ पर दूसरी कढ़ाई रखी है, इसमें मैंने पानी डाला एक पूरा बॉटल, और ये जो मैंने धो करके पत्ते वाली सब्जी पूरी काट के रखी थी वो डाल करके उबाल लिया है, क्योंकि जिन्होंने मुझे बताया ना बगल में रहती हैं तो महाराष्ट्रियन फैमिली है, उन्होंने बताया कि इसको पहले काट करके उबाल लेना है और फिर ज्वारी का आटा डाल के और लहसुन हरी मिर्ची का पेस्ट बना करके उसमें डालना, फिर आटा तैयार कर लेना, फिर भाकरी बना लेना, और इसको खाया जाता है लाल मिर्ची की चटनी के साथ। अब मैंने वो उबालने रखा था, इतनी देर में इतनी सारी मेथी थी तो मेथी का पूरा बंच साफ किया, डंठल हटाई, गीली वाली सड़ी गले पत्ते हटाए, साफ सुथरी पूरी मेथी, और ये फोल्ड करके पैक करके रख लिया। अब चाहे आलू मेथी के सब्जी बने चाहे थेपले बने, मतलब उसको पहुंचाया। ये मैंने उड़द की दाल भिगो के रखी है नेक्स्ट डे मॉर्निंग के लिए तैयारी, कहीं भूल ना जाऊं याद से, तो उड़द की दाल रख दी है। यहाँ पर ये पूरा बॉयल हो चुका है पत्ता, ये देखो, और मैंने थोड़ी सी लहसुन और दो हरी मिर्ची, इनको खलबत्ते में डाल करके पेस्ट बनाया, और छन्नी में डली हुई है वो भाजी जिस फिर बाद में मैं इसको आटे में कर लूंगी, तो गरम है काफी, तो फिर इन्होंने बोला पपीता काट लो क्योंकि हम लोग का नाश्ता हो चुका था, ये अभी आए, फिर हमने पपीता काटा और इन तीन लोगों के लिए प्लेट में निकाल के रखा। जब मैं काम करती हूँ तो मुझे बीच में, पहले से भी आपने देखा होगा, आदत में नहीं है मेरे कैसे खाती जाऊं करती जाऊं, और अभी इस समय काम की टेंशन है, टाइम हो रहा था ना लग तक खाना वाना बन जाए, और फिर तब तक ये लोग अपना खाएंगे। शुभम लेके गया अम्मा को देने, अम्मा अपने कमरे में ज्यादा कंफर्टेबल फील करती हैं, अपना वहीं रहती हैं, सारा दिन लेटी रहती हैं, आराम करती हैं अपना, जब उनको माला करना होता कर लेती हैं, और अपना उनको जहाँ पे आराम रहे मतलब वहीं बैठे रहें, और दूर से टीवी देखती रहती, इसीलिए वो शाम को संस्कार चल रहा था ना उनका, वो सुनती रहती हैं अपना जो उनको देखना हो। और ये हरी मिर्ची और लहसुन का पेस्ट, नमक, और ये जो सब्जी है वो रखी है थाली में डाली है, और हल्दी पाउडर डाला है। अब यहाँ पर मैं गेहूं का आटा डाल रही हूँ, जैसे यहाँ पर डालते हैं करनीचा अपीट जिसमें कि ज्वारी और उड़द की दाल मिक्स होती है, उससे भाकरी बनती है। और बस फिर इन लोगों का सबका हो गया नाश्ता, क्या मतलब ये तो सेकंड शिफ्ट नाश्ते की थी, शाम को हो चुका था। फिर अभी ये पपीते वाली सबके बर्तन शुभम रखता है, जब अब से उठा के ला के रखना है काम। अब जैसे शुभ ही नहीं है तो शुभम को आवाज दी जाती है, शुभम ये कर दो वो कर दो, करता रहता है वो।
और मैंने यहाँ पर पराठे सेकने शुरू कर दिए। आटा गूंथ लिया था ये सारी चीजें मिला करके, और बस पराठा बनना शुरू। इसको ना लाल चटनी बनती है जिसमें लाल मिर्ची, सूखी लाल मिर्ची बड़ी वाली, हाँ, और इमली, ड्राई इमली और गुड़, फिर इनको पीस करके पतली चटनी बनती है। बोलते हैं पातर लाल मिर्ची को क्या कहते हैं, चटनी। चटनी तो चटनी होती है, पर लाल मिर्ची को भी चटनी बोलते हैं इस एरिया में। तो उन्होंने मुझे बताया जो बगल में है, तो मैंने कहा कि अरे लाल मिर्ची मतलब नुकसान ना कर जाए, अम्मा लोग नहीं खाएंगे ना एकदम से लाल मिर्ची की चटनी। यूपी में हरी चटनी चलती है, उसमें भी तीखा हो जाता है, फिर लाल तो मतलब ड्राई मिर्ची बहुत है। तो फिर मुझे याद आया कि इमली खजूर की चटनी रखी है अपनी, तो उसको देती हूँ मैं साथ में खाने के लिए, और खीर तो है ही। और ये पराठे इसलिए बनाए कि भाई सब्जी नई है तो टेस्ट पता नहीं कैसा लगे, हम खुद अभी अनजान नहीं सब्जी से, सिर्फ नाम सुने थे केवल अंबाड़ी और अम्बर चूका, ऐसे नए नए नाम यहाँ पर सब्जियों के, जो कि हेल्दी सब्जियां होती हैं, मतलब ये इनका कोई बीज नहीं कि आप डाल दें और उग जाए, तो वो सब्जियों में से गिनती है इनकी। मैंने थाली लगाई है और फिर बस ये चटनी के साथ खाए जाएंगे। बाद में इसका रिजल्ट पता चला कि भाई ये पराठे बहुत ही टेस्टी लगे, तो बस अब थाली अम्मा को, वही अम्मा को यहाँ से टीवी भी दिखता है, जैसे सीरियल वगैरह भी देखती रहती हैं अपना जितना भी चलता है टीवी में, और उनको आराम है अपना वहीं लेटना बैठना माला ऐसे उनका, तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है ना। चेयर में देखो वो बैठती नहीं है टेबल में खाने के समय में, और फिर ये लोग चेयर पे बैठे रहे और वो जमीन पे बैठे हॉल में, तो नहीं अच्छा लगता। वो अपने कमरे में जमीन पे बैठी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। और उन्होंने अपना थाली में हाथ धो लिया, शुभम लाया और यहाँ पर प्लेट धुलने में रख दिया, तो उनको भी आराम है कि अपने उसी जगह पे, ये नहीं कि अब अच्छा खाने के लिए फिर उठ के आओ जाओ ये करो। और यहाँ पर इन लोग के सामने जमीन पे नहीं बैठे, वो भी ठीक है अपना कमरे में बैठ के खा लिया उन्होंने। और मैं दे देती हूँ बनाते समय, जब इनके पास टेबल तक गई तो वहां कमरे में बराबर है, तो फिर बस इसके बाद रोज के जैसे बर्तनों की दुकान लग गई। और फिर बर्तनों की दुकान के बाद वो जो पूरा काउंटर टॉप कपड़े से पोंछ देती हूँ, क्योंकि धोना रहता है चौका तो इसी तरह पोंछ जाता है, और गैस वैस पोंछ दी, आंकड़े पोंछ दिए, वो स्टैंड बॉटल्स भर दी, यही सब जो मेरे रोज वाले काम होते हैं, नया कुछ भी नहीं, तो इसलिए मुझे कुछ ऐसा नया सा नहीं लग रहा है, मतलब वही है जिंदगी जैसी थी वैसी है बस, बल्कि एक सुकून सा है गुप्ता जी के चेहरे पे, खुशी है, चमक है, एक जिम्मेदारी है जो उनकी कम हुई है, कम मतलब यहीं पर है ना आंखों के सामने, भाई 4-6 महीने में जाना और रोज सुबह शाम आपके आंखों के सामने, उसमें बहुत बड़ा फर्क है। और वो फर्क वही समझ सकता है जिसके मन में जिम्मेदारी रहती है, और कितना भी हो जेंट्स लोग कहते नहीं है, और फिर खासकर अकेले लड़के, मतलब जिम्मेदारी रहती है, उनको चिंता रहती है, तो चिंता मुक्त नजर आ रहा है मुझे। और इस पराठे के लिए हाँ शुभम का फीडबैक था, मुझे शुभम का ही डर था कि मतलब भाई बच्चों को क्या समझाओ, एक तो पहले ग्रीन वेजिटेबल से भागते हैं और फिर ये नई सब्जी। शुभम ने खाते समय बोल दिया कि मम्मी अच्छा लग रहा है, तो फिर मुझे चैन मिल गई थी कि चलो अच्छा है पराठा टेस्टी है। तो इस तरीके से कुछ कुछ ऐसी सब्जियां हैं हेल्दी जो बच्चों को हमने खिलानी ही है किसी भी तरीके से जुगाड़ लगा करके ना, बस सब हो गया। फिर हम लोग अपना बैठ के टीवी देख रहे हैं, अम्मा आराम कर रही हैं अपने कमरे में, तो यही रोज वाला हम लोग का बागले की दुनिया बैठती हूँ मैं।